नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 30 दिसंबर 2018 है और मॉर्निंग शिफ्ट में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल का एग्जाम हो चुका है, तो अब हम उसकी लेके आए हैं आपके लिए आंसर की, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन की आंसर की हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मैथ और हिंदी की प्रोवाइड कराई थी, तो उस समय तो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया ही था, जितना सोल्व हो पाया तो वो प्रोवाइड करा दी थी। तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं पूरे 1 से लेके और 100 तक के क्वेश्चन की आंसर की। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिकाओं संस्थाओं की संरचना में समानता लाने वाला संशोधन, तो ये है 73 और 74। प्रश्न नंबर 2, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण के माध्यम से किया जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन इज डन बाय, जो आपस में किसी भी इंस्टीट्यूशन के 2 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर या 4 कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं, तो वो जोड़े जाते हैं लैन के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, गुरुद्वारा धमतान साहिब खालिस्तान की स्मृति में बनाया गया, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु फोकस से डी दूरी पर रखी गई है और वास्तविक प्रतिबिंब डी टू दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकल लंबाई, तो दोस्तों इसका उत्तर है अंडर रूट D1 D2। अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 6 पे, निम्नलिखित में से किस राज्य का निजी संविधान, तो दोस्तों निजी संविधान जो है वो है जम्मू कश्मीर राज्य का। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है, दोस्तों अहमदाबाद नगर भी है, स्मारकों का हम्पी समूह भी है, बेलूरु हेलीपुर स्थल भी है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8, फरल ग्राम के फाल्गु उत्सव डैश पर होता है, तो कब होता है, दोस्तों इसका उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, तो दोस्तों हरियाणा अभी फिलहाल वर्तमान जो स्पीकर है वो है कंवरपाल सिंह, कंवरपाल गुज्जर। प्रश्न नंबर 10, डैश बिलियन करेक्टर को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है डी, गीगा बाइट्स। प्रश्न नंबर 11, बैसाखी सामान्यतः 14 अप्रैल को मनाते हैं, 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, 150 को नारंगी का रस पसंद है और 75 को दोनों का रस पसंद है, न तो सेब न ही नारंगी का रस पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, वो है 175। अब आगे है प्रश्न नंबर 13, वह व्यक्ति जिसे सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, सुन येत सेन। प्रश्न 14, एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो दोस्तों ये है गिर, गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 15, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू, तो ये यूज होते हैं आंकड़े बनाने और वस्तु आरंभ करने दोनों में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 है, एक इक्वेशन इसका हमें बताना है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो क्या है, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, N+1/2। प्रश्न नंबर 17, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की, दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत। अब आ गया है प्रश्न नंबर 18, एक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखी हुई एक चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए W इकाई कार्य की आवश्यकता है, सुई की स्थिति में सुई को स्थिति में बनाए रखने के लिए वांछित अपूर्ण बल, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंडर रूट 3 वाट। प्रश्न नंबर 19, राहुल ने आनंद से कहा, कल मैंने मेरी नानी की बेटी के इकलौते भाई को हराया, राहुल ने किसे हराया, तो देखो दोस्तों कल मैंने मेरी नानी की बेटी या तो मेरी माँ हो सकती है या मेरी मौसी हो सकती है, के इकलौते भाई को हराया, तो उनके भाई को हराया है, तो उनका भाई क्या हो गया, मेरा मामा, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मामा। प्रश्न नंबर 20, गणगौर डैश देवी के सम्मान में मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौरी। प्रश्न नंबर 21, समरूपता युग्म पूर्ण करें, पक्षी अनुपात मछली, पक्षी हवा में उठता है मछली पानी में रहती है, समान अनुपात हवाई जहाज, हवा में उड़ता है तो पानी में क्या रहता है, पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर 1। 22, दो पानी के नल एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं, टंकी को अलग से भरने के लिए एक बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, टंकी को अलग
से भरने के लिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। तो दोस्तों ये है 25 घंटे। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। खालिस्तान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उर स्वस्ति संग्रहालय। तो ये सेक्टर 78 में है। अब आ गए हैं 24 में। वह देश जिन्हें आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आसियान का संस्थापक सदस्य भारत नहीं है, बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए। काफी एग्जाम है जिनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कैंडिडेट हो जाते हैं कंफ्यूज, और जिसमें भारत ऑप्शन होता है सिर्फ उसी की तरफ देखते हैं, बाकियों को देखते भी नहीं, जबकि इसका उलट है, इसमें आसियान के संस्थापक सदस्यों में भारत नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड, ये हैं। 25 हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बड़ा ही इजी है, इसका आंसर है मनवीर सिंह बड़ाना। प्रश्न नंबर 26 मैथ का सवाल है, इसको अगर आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 0, ए का मान 1 और बी का मान 0। यदि पी 12 और 8 और क्यू 24 एक्स को जोड़ने वाली रेखा एक्स दूरी के समानांतर है, तो एक्स का मान होगा 8। प्रश्न नंबर 28 C4 पौधों की मोजाफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्रहणियों का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुबिलोज 1 और 5, बाइसोफेट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 डैश मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। तो दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा रैम। Origin of species by means of natural selection was given by Charles Darwin. Charles Darwin, option number 3 है सही। एक C++ program में वर्ग के सदस्य डिफॉल्ट रूप में डैश होते हैं। इन C++ प्रोग्राम मेंबर ऑफ अ क्लास बाय डिफॉल्ट आर प्राइवेट, बाद में सेटिंग चेंज करके वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड किए जा सकते हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट होते हैं निजी। प्रश्न नंबर 32 है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के डैश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, तो उनको गिरफ्तार किया गया था पलवल से। प्रश्न नंबर 33 डैश हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है, वर्तमान बताना है दोस्तों हमें, तो वर्तमान है न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल। प्रश्न नंबर 34 दूध में किस तत्व, पोटाशियम भी है, कैल्शियम भी है, लोहा में नहीं, लोहा नहीं है दूध में। प्रश्न नंबर 35 सहकारी कृषि डैश में बहुत सफल हुई, तो दोस्तों ये सफल हुई सबसे ज्यादा डेनमार्क में। 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है, दोस्तों 1969 में 14 बैंक किए गए थे राष्ट्रीयकृत, अभी के कितने हैं अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका आंसर 19 भी हो सकता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है 14, क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ये तो कंफर्म है। प्रश्न नंबर 37 मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, तो मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? संसद का कार्य है कानून को बनाना, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है उन कानूनों का पालन करवाना, तो इसमें से ए और सी में से है दोस्तों कंफ्यूजन। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इस स्थान में जन्मी थी, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, करनाल। प्रश्न नंबर 39 यदि एक्स 2y 3z समानांतर श्रेणी में है, जहाँ एक्स वाई जेड भिन्न संख्याएं हैं और ज्यामितीय श्रेणी में है, तो ज्यामितीय श्रेणी का सामान्य अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका सामान्य अनुपात है 1/3। प्रश्न नंबर 40 हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र, तो दोस्तों ये है हिसार में 7 हैं। प्रश्न नंबर 41 धर्मनिरपेक्षता की धारणा के साथ आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत लगता है? राज्य धर्म का स्वीकार, एक धर्म का प्रभुत्व, सभी धर्मों का समर्थन करने वाला सामान्य राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही लगता है वो है सभी धर्मों का समर्थन करने वाला समान राज्य। प्रश्न 42 हाल ही में केंद्र सरकार ने उमंग ऐप आएगा इंग्लिश में, देख लीजिए इसको, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड उमंग ऐप, इट इज फॉर सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ई गवर्नमेंट सर्विसेज, सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लेटफॉर्म। एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग उद्धत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म सरोवर। प्रश्न नंबर 44 यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो अंक 1, 2, 3, 4, 5,
से कितने दो अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, 1 10। प्रश्न 45 है, ASICC की फुल फॉर्म, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रश्न नंबर 46, हरियाणा खालिस्तान में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला, दोस्तों ये कार्य हरियाणा ने 1970 में ही संपन्न कर दिया था। तो आप ऑप्शन देके कंफ्यूज न हो, क्योंकि हरियाणा की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है इस कार्य का। प्रश्न नंबर 47 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72। 48 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 46। अब है 49, 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली से पंजा संबंधित है, इस प्रकार खुर खुर घोड़े के खुर। प्रश्न नंबर 51, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में है। 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन 3.0 में फ्लोरयुक्त विभाजन है? तो दोस्तों इसका ए और डी में से एक है, 50-50% डाउट है मेरे को, तो आपको अगर एग्जैक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 53 है, द्विघाती समीकरण दे रखा है 2x² + kx + 3 = 0 में k का मान, तो k का मान है इसमें ±√6। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे डैश चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, झज्जर, तो आपको पता ही होगा बेरी के रहने वाले थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न नंबर 55 है, अनावर्जक संपत्ति एनपीए जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है, वह डैश से जुड़ी है? तो दोस्तों ये बैंकिंग प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है। अब है प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, प्रारंभ में इसे 10 वर्ष के लिए बनाया गया, अब इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है, 1 सितंबर 2012 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 84 और 47। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 57 पे, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 24। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 59, यदि कैपिटल को ये लिखा जाता है तो नेशन को लिखा जाएगा OCWMTT, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 60 है, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 8, इफ एच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन न्यू मीन बिकम, तो न्यू मीन बिकम 24। डी इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 61, पहला क्लोन डोली डैश में बनी, तो दोस्तों भेड़ है इसका आंसर। 1966 और 70 में लगातार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में किस खेल में जीता? तो इन्होंने हवा सिंह जी ने जीता था ये, तो इन्होंने जीता था मुक्केबाजी में। प्रश्न नंबर आ गया है 63, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो दोस्तों इसका आंसर, आंख बंद करके भी अगर आप दिल्ली लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ठीक। तांगरी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तांगरी सहायक नदी है घग्गर की। सोलिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रिसिपिएंट्स एट वंस इज कॉल्ड, तो स्पैम स्पैम ही होते हैं ये। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी 12 अनुसूचियां हैं। गांधी जी ने डैश को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया, 12 मार्च 1930 को चलना शुरू किया। बेहतरीन स्वर्ण सोल डैश रंग का होता है? तो दोस्तों लाल रंग का होता है, लाल से बैंगनी होता है, फिर नीला, फिर सुनहरी, ऐसे होता है वो चेंज। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इन पे अगर आप विचार करोगे तो उपरोक्त सभी आपको ठीक ही लगेंगे। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राव तुलाराम। क्वेश्चन नंबर 71, पोप 3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिसमें किसी को अपनी मेल पढ़ने और लिखने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है? बिल्कुल जुड़ना पड़ता है। 72, हर्षवर्धन की जीवनी हरचरित्र एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भानभट्ट। 73, मानव विकास सूचकांक द्वारा खालिस्तान के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है UNDE। क्वेश्चन नंबर 74, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में डैश एक वर्धन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलिब्डेनम, मेलिब्डेनम। प्रश्न नंबर 75, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? किशनलाल भाट। प्रश्न नंबर 76, एक ज्योमिति श्रेणी का चौथा पद अपने दूसरे पद का वर्ग है और पहला पद -3 है, तो ज्योमिति श्रेणी का सातवां पद होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है -2187।
क्वेश्चन नंबर 70, समरूपता पूर्ण कीजिए, 8:28 समानुपात 27 यहाँ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ आ जाएगा 65। 79 वह संख्या है, 5, 8, 13, x 34, 55, 89 एक्स का मान हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 21। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार पश्चे भाग प्रकट होने की प्रायिकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3/4। में से कौन सा एक मुक्त स्रोत वर्ड प्रोसेस है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ड परफेक्ट ऑफिस। प्रश्न नंबर 82, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1/83। एक नई रणनीति डैश द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं, तो आरएनए इंटरफेस के द्वारा किए जाते हैं। -84 को 2017 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इनका उत्तर है कृष्णा सोबती। आगे फिर इक्वेशन दे दी, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर नंबर बी 29। 86 वह इकलौता व्यक्ति जिसे दो बार भारतीय कार्यवाहिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो दोस्तों इसका आंसर है जीएल नंदा गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। 87 देशों में देश हरियाणा के लेखक, तो इसके लेखक हैं उदय भानहंस। 88 क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य, सबसे बड़ा राज्य, बिगेस्ट स्टेट, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अब आ गए हैं अपने लैंग्वेज इंग्लिश पे। रिलीजियस होप डैश अ मैन इन हिज ट्रेल्स, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बियर्स अप ए मैन इन हिज ट्रेल्स। क्वेश्चन नंबर है 90, ही वाज मच डैश बाय हिज लॉस, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कास्ट डाउन बाय हिज लॉस। 91, देयर इज अ नोट डैश मैन हेयर हु विल नॉट सपोर्ट यू, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए देयर इज नॉट द मैन हेयर हु विल नॉट सपोर्ट यू। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर ऑप्शन नंबर डी ए टैगोर वाज अ ट्रूली ग्रेट पोएट। क्वेश्चन नंबर 93, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक डैश टॉट देयर, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, द मींस एम्प्लॉयड बाय यू वर सफिशियंट। प्रश्न नंबर 95, अब आगे हिंदी, ढिंडोरा पीटना प्रचार करना होता है। 96 है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास का समास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 97, 1+1 एकक यह कौन सी संधि है, तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि। प्रश्न 98, हम पढ़ते हैं इस वाक्य का सामान्य भूतकाल हम पढ़े। प्रश्न नंबर 99, लक्ष्मण ने लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, यह कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। प्रश्न 100, हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है, तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी करण कारक। तो दोस्तों ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन थे जो आज के एग्जाम में आए थे हरियाणा कॉन्स्टेबल फीमेल के में, जो आज 30/12/2018 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो दोस्तों हमने भरपूर कोशिश की है कि बिल्कुल 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर गलत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।